रिटायर्ड सेना के जवान के साथ उसके सैलून में घुसकर मारपीट करने वाले अपराधियों का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पुलिस के सामने गाली गलौज और धमकी देते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि पीड़ित ने पहले ही बताया था कि पुलिस ने ही आरोपियों को भागने में मदद की थी और वहां से उन्हें घर तक पहुंचाया गया था। लेकिन जब उक्त मामले को एडिशनल एसपी अनिल सोनकर के पास हमारे द्वारा रखा गया था तो एडिशनल एसपी ने कहा था कि उन्हें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी गई है। घटना के दूसरे दिन एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस के सामने आरोपी धमकी दे रहे थे और पुलिस ने ही उन्हें भागने का अवसर भी दिया था। अगर पुलिस चाहती तो मौके से ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती थी। दरअसल मामला अमहिया थाना क्षेत्र में संचालित सैलून का है, जहां दिनेश मिश्रा नाम के संचालक के साथ भाजपा नेता ऋतुराज चतुर्वेदी उर्फ बच्चू और अनुराग मिश्रा ने जमकर मारपीट करते हुए तोड़फोड़ की थी। आरोपियों के द्वारा जिस समय मारपीट की जा रही थी, उसी समय पुलिस को सूचना भी दी गई। पुलिस पहुंची भी, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने की बजाय भागने का मौका दिया था। आपको बता दें कि भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही है। सिंगरौली में विधायक के बेटे द्वारा वन कर्मियों को गोली मारने के बाद अब रीवा में भाजपा नेता की एक बार फिर दबंगई सामने आई है। हालांकि मामला सामने आने के बाद भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने उक्त आरोपी को दीनदयाल मंडल युवा मोर्चा के पद से हटा दिया है, वहीं प्राथमिक सदस्यता भी समाप्त कर दी है। इधर पुलिस आपराधिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि कुछ वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं, जिन वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया गया और विवेचना की जा रही है। आरोपी चाहे कोई भी हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से पुलिस के सामने आरोपी धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस उन्हें जाने का अवसर दे रही है।